हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल नेटवर्किंग टाइगर्स। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विलन कॉन्फ़िगरेशन टाइप। मतलब जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था, हम दो तरीके से विलन को क्रिएट कर सकते हैं किसी स्विच पे। एक कौन सा होता है स्टैटिकली और दूसरा कौन सा होता है डायनेमिकली। मतलब स्टैटिक विलन कॉन्फ़िगरेशन टाइप और डायनेमिक विलन कॉन्फ़िगरेशन टाइप। आप स्टैटिकली तरीके को अपना के विलन को कॉन्फ़िगर या विलन को क्रिएट कर सकते हो किसी स्विच पे। डायनेमिक वाले तरीके को अपना के आप किसी भी स्विच में विलन को कॉन्फ़िगर कर सकते हो या फिर क्रिएट कर सकते हो। तो इन दोनों टाइप में क्या डिफरेंस है और कैसे क्रिएट करेंगे, आज हम इसी पे डिस्कस करने वाले हैं। सो ये हमारे पास जो पार्ट होगा या ये जो वीडियो है वो थ्योरी है। आगे आने वाले पार्ट में हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे इसका। सो अभी हमें डिस्कस करना है इसके थ्योरी के ऊपर, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके प्रैक्टिकल के ऊपर। ओके, सो स्टैटिक में अगर मैं बात करता हूं, है ना, स्टैटिक विलन कॉन्फ़िगरेशन के हम स्टैटिकली विलन को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, कैसे क्रिएट करेंगे। तो स्टैटिक विलन आर पोर्ट बेस्ड। स्टैटिक विलन आपके किस टाइप का विलन है आपका? पोर्ट बेस्ड, मतलब यहाँ पे पोर्ट को हम किसी विलन में एग्जिस्ट करवाते हैं। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल में भी लिया था कि हमारे पास अगर 1 से लेके 24 तक के पोर्ट है, तो हमने 1 से लेके 12 तक के पोर्ट विलन 1 में रखे और 13 से लेके 24 तक के पोर्ट हमने विलन 2 में रखे। तो वो किस टाइप के विलन हुए आपके? स्टैटिकली विलन कॉन्फ़िगरेशन। वो आपने किस टाइप के विलन को कॉन्फ़िगर किया? स्टैटिक। ओके, पोर्ट नीड टू बी मैनुअली असाइन टू अ विलन, मतलब मैनुअली हमें हर एक पोर्ट को एक विलन के साथ असाइन करना पड़ेगा कि ये वाला पोर्ट है इस विलन से एग्जिस्ट करेगा, ये वाला पोर्ट है इस विलन से एग्जिस्ट करेगा। ओके, आल्सो कॉल्ड एज अ पोर्ट बेस्ड विलन, इसको हम पोर्ट बेस्ड विलन से भी जानते हैं। ओके, तो अ पोर्ट कैन बी द मेंबर ओनली सिंगल विलन, एक पोर्ट आपका एक ही विलन का मेंबर हो सकता है। ऐसा नहीं कि एक पोर्ट है वो आपका विलन 2 में भी एग्जिस्ट करे, विलन 3 में भी एग्जिस्ट करे, नहीं। या तो वो विलन 2 में एग्जिस्ट करेगा या विलन 3 में एग्जिस्ट करेगा। ओके, सो इस टाइप के विलन हमारे क्या होते हैं? स्टैटिक विलन होते हैं। अब हम बात करते हैं डायनेमिक विलन की। तो डायनेमिक विलन में हमारे पास क्या है? डायनेमिक विलन आर बेस्ड ऑन द मैक एड्रेस ऑफ द डिवाइस। डायनेमिक विलन हमारे पास किस टाइप के विलन होते हैं? उनको हम पोर्ट बेस से नहीं करते हैं। जैसे कि हमारे पास कुछ डिवाइस है, जैसे 4 डिवाइस हैं, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं स्टैटिक और डायनेमिक विलन में कैसे क्या होगा। देखो, डायनेमिक विलन की पहले बात कर लेते हैं। डायनेमिक विलन में हमारे पास पोर्ट के हिसाब से डिवाइस विलन में नहीं जाती है, डिवाइस के मैक एड्रेस के हिसाब से। तो डायनेमिक विलन में हमारे पास क्या होता है? डिवाइस के मैक एड्रेस के हिसाब से आप विलन में डालते हो। जैसे ये 0A मैक है इसका और 0B मैक है इसका, इसका मैक है 0C और इसका मैक है 0D। ओके, तो आप स्विच में इस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन करोगे कि जब भी आपके पास ये वाले मैक एड्रेस की डिवाइस कनेक्ट होती है, आपको विलन 2 में रखना है इसको। पोर्ट के हिसाब से यहाँ पे विलन ऐड नहीं होते हैं, मतलब पोर्ट बेस्ड विलन नहीं होते कि आपने पोर्ट को उस विलन में ऐड कर दिया, आप उस पोर्ट में आप कोई भी डिवाइस कनेक्ट करो वो आपकी विलन 2 में ही जाएगी। यहाँ पे मैक एड्रेस के हिसाब से आप विलन को बताते हो कि इस डिवाइस को इस विलन में रखना है। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया 0B वाले मैक एड्रेस को विलन 2 में रखना है, तो अब 0B वाला मैक एड्रेस जो डिवाइस का है वो कहीं पे भी कनेक्ट हो स्विच में, वो आपका विलन 2 में ही आएगा। ओके, तो देखो, स्विच ऑटोमेटिकली असाइन द पोर्ट टू अ विलन। जैसी वो डिवाइस कनेक्ट हुई वो चेक करेगा ये वाला मैक एड्रेस किस विलन से एग्जिस्ट करता है, बोला विलन 2 से एग्जिस्ट करता है, वो पोर्ट अपने आप विलन 2 में आ जाएगा, हमें करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ओके, स्विच अपने आप से असाइन कर देगा उस पोर्ट को विलन 2 में। तो ईच पोर्ट कैन बी मेंबर ऑफ मल्टीपल विलन, तुम्हारा हर एक पोर्ट मल्टीपल विलन का मेंबर हो सकता है। ओके, फॉर डायनेमिक विलन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सॉफ्टवेयर कॉल्ड BMPS। अगर हमें डायनेमिक विलन को कॉन्फ़िगर करना है तो हमें एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जिसे हम बोलते हैं BMPS, विलन मैनेजमेंट पॉलिसी सर्वर। हमें इस सॉफ्टवेयर का क्या पड़ेगा? रिक्वायरमेंट पड़ेगा अगर हमें डायनेमिक विलन क्रिएट करने हैं। ओके, सो ये हमारे पास दो टाइप से विलन कॉन्फ़िगर होते हैं,
या तो स्टैटिकली या डायनेमिकली। तो इनमें क्या डिफरेंट है, हमने थ्योरी में डिस्कस कर लिया है, अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ओके सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार एंड बाय।